ग्रामीण क्षेत्र के पंजनहेड़ी गांव के पंचायती घर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में क्षेत्र की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने सहभाग लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बालक बालिकाएं सभी मौजूद थे, जिन्होंने घरेलू हिंसा पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया, जिससे घरेलू हिंसा पर लोगों की मानसिकता बदलने का प्रयास किया जाए। पे जो हिंसा होती है बेटियों पे, जो हिंसा होती है कि उनको किस तरीके से उनको उनका मानसिक अच्छे से वो करे जाए, अच्छे से सबको हाँ अस्तित्व अच्छे से वो करे, मानसिकता भी सही रहे, क्योंकि लोग आजकल वैसे भी हिंसक बहुत हो रहे हैं। कभी लड़कियों पे अत्याचार कर रहे हैं, कोई कहीं मार पिटाई हो रही है, औरतों पर मार पिटाई कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, तो इस वजह से उनको सपोर्ट के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आयोजित कार्यक्रम किया है। आज हमारे यहाँ जो है पोषण मिशन का जो सप्ताह चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम कार्यशाला आयोजित की थी यहाँ पंजनहेड़ी गांव में, जिसमें हमारे ग्राम प्रधान जी और मेरी सारी आंगनबाड़ी वर्कर, तकरीबन 37 वर्कर थी जो आज इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ड्रॉप आउट जो किशोरियाँ होती है हमारे यहाँ 11 to 14 ईयर ओल्ड, उन सब बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें मेहंदी, रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की है, उन्हें उनके हिसाब से हम लोगों ने पुरस्कार भी दिए हैं। इसी तरह का एक आयोजन हुआ है, इसमें क्या था कि गर्भवती धात्री महिलाएं थी, जिसमें तकरीबन 12 गर्भवती को हम लोगों ने उनका गर्भदान संस्कार कराया है और अन्नप्राशन संस्कार।